नकोदर वाले साईं जी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक फिर शेयर जरूर करें। जय बाबा मुराद शाह जी, जय साईं लाडी शाह जी। आज की वीडियो हम साईं लाडी शाह जी के दरबार से मिलने वाले इलायची के प्रसाद के बारे में है। सबसे पहले तो एक ज़रूरी बात, वो यह है कि ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि इलायची का प्रसाद किस दिन मिलता है। संगत को आज हम ये बता देना चाहते हैं कि इलायची का प्रसाद सिर्फ व सिर्फ वीरवार वाले दिन ही मिलता है साईं लाडी शाह जी के दरबार से। हमने इलायची का प्रसाद इस्तेमाल कैसे करना है इस बात का भी लोगों को पता नहीं है। अब साईं जी हमारे सबके बीच में हाजिर नाजिर हैं। जिस समय से साक्षात हमारे साथ बैठा करते थे साईं जी, हमारे सामने रूबरू, इलायची का प्रसाद तब से चल रहा है, आज से नहीं चल रहा। इस इलायची में एक रूहानी ताकत है उनके लिए जिन्हें विश्वास है साईं जी की इस इलायची पर, कि जब तक हमारे पास हमारे साईं जी की इलायची का प्रसाद है, हमें कोई दुख, हमें कोई परेशानी, हमें कोई अड़चन रोक नहीं सकती। हमारे पास यह एक किस्सा भेजा है दिल्ली से, इन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है। लिखते हैं कि 2015 में मेरे पति को हफीम के साथ गाड़ी में पुलिस ने पकड़ लिया था। वह हफीम कहां से आई उन्हें कुछ पता नहीं। पकड़े जाने के बाद कुछ दिन वो जेल में रहे, फिर जमानत पर छूट गए, पर इन पर वो केस चलता रहा, कोर्ट में तरीकें भी पड़ती रहीं। अप्रैल 2020 में जब केस की फाइनल तारीख थी, उस दिन सबके मन में यही बात थी कि हफीम पकड़े जाने की कम से कम 4-5 साल की सज़ा है, तो इनको सज़ा होकर रहेगी। इनकी जो पत्नी है, वाइफ, वो अक्सर नकोदर दरबार में आया जाया करती थी माथा टेकने, महीने 2 महीने बाद। तो इस कारण उनके पास साईं जी के दरबार से मिला हुआ इलायची का प्रसाद पड़ा था। उसने अपने पति को जाने से पहले 2 इलायची शर्ट की जेब में रखने के लिए दे दी कि आप ये 2 इलायची अपनी शर्ट की जेब में रख लो। जिस दिन फैसला था, जज आखिरी तारीख का फैसला सुनाने वाला था, तब उनकी तरफ से जो वकील किया हुआ वकील था उनसे पूछा गया, भी आप कुछ कहोगे? तो वकील ने बस 2 ही बातें कही, भी जब मेरा मुजरिम गाड़ी में था तो इनकी, जिस दिन वो पर्चा दर्ज हुआ था तो उसमें लिखा गया था भी गाड़ी में मुजरिम के पजामे के नाले के साथ अफीम बांधी गई थी। तो उनके वकील ने बस इतना ही कहा कि जब मेरा मुजरिम गाड़ी में ही था तो पजामे के नाले पे के साथ क्यों बांधी होगी जी, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये झूठे केस में फंसाया गया है। तो ये बात सुन के जज ने 1 मिनट के लिए मुजरिम की चेहरे की तरफ देखा और देख के बस एकदम से बोले कि जाओ भैया, आप बरी हो। तो ये थी वो ताकत उस इलायची के प्रसाद की। इसलिए इसे प्रसाद को, इस प्रसाद को, जो इलायची का प्रसाद हमें मिलता है वीरवार वाले दिन, ज़्यादातर लोग वहाँ से मिला, पैंट में डाल ली, 1-2 खा ली, बाकी पैंट में रही, घर आई, जिसने कपड़े धोए वो इलायचियाँ पैंट में ही धो दी। तो भाई ये इलायची बहुत ताकतवर हैं, बहुत संभाल के रखने वाली चीज़ है, हर तरह की खुशी को 2 गुना करती हैं ये इलायचियाँ, और हर तरह की मुसीबत से हमें दूर करती हैं। बस इसको एक लोगों को यूज नहीं करनी आती, भी कोई बहुत ज़्यादा घर में बीमार है, किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, किसी कोर्ट कचहरी का किसी का केस चल रहा है, तो उस टाइम इलायची यूज करो। ये नहीं है कि आगे 4 दिन चाय में डाली तो ख़त्म कर दी। कई बार ज़रूरी नहीं है कि हम पास तो हैं नहीं, बहुत दूर दूर से संगत जाती है जो हर हफ्ते नहीं जा सकती, महीने लग जाते हैं उनको, 2 महीने 4 महीने लग जाते हैं, तो वो इलायची अपने पास संभाल के रखो, और इलायचियों में मिला के ज़्यादा प्रसाद कर सकते हो, पर वो इलायचियाँ बहुत संभाल के रखने की चीज़ है। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर किया करो, और कमेंट में जय बाबा मुराद शाह जी, जय साईं लाडी शाह जी ज़रूर लिख के भेजना। जय साईं जी।